धारा। प्यारे साथियों, फिर से एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सहजयन का इतिहास। तो आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा डिस्क्लेमर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, सहजयन का इतिहास, सहजयन का परंपरा, इसके विषय में हम थोड़े जान लेते हैं। सहजयन बुद्ध धर्म की महायान शाखा तथा वज्रयान का मिश्रित रूप है। सहजयन परंपरा का सबसे ज्यादा प्रभाव 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में देखा जाता है। सहजयन परंपरा से ही नाथ परंपरा की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि गुरु मच्छिंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ सहजयन परंपरा का ही अनुसरण करते थे, जिसका उल्लेख तिब्बती ग्रंथों और नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में किया गया है। सहजयन परंपरा में कठिन भक्ति प्रथाओं की बजाय एक चुने हुए गुरु के अधीन रहकर निर्वाण करना होता है। सहजयन परंपरा की मान्यता के अनुसार निर्वाण केवल उस गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की हो। सहजयन परंपरा में सर्वोच्च आनंद स्त्री और पुरुष के मिलन से प्राप्त होता है, क्योंकि सहजयन में शरीर को भक्ति का आधार माना जाता है। सहजयन परंपरा के अनुसार संसार शून्य है, निर्वाण शून्य है तथा पाप और पुण्य जैसे कोई चीज नहीं है। सहजयन परंपरा के अंतर्गत मन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और माना जाता है कि मन भी शून्य है और मन ही शून्यता और मन की शून्यता ही सनातन अस्थाई अर्थात अस्थाई आनंद या निर्वाण है। सहजयन परंपरा के सिद्धों में मान्यता है कि निर्वाण प्राप्ति के पश्चात समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं और अंतिम अवस्था में सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। तो प्यारे साथियों, ये जो सहजयन जो एक परंपरा है, यह परंपरा कहां से निकला हुआ है? यह परंपरा निकला हुआ है महायान और वज्रयान की मिश्रित रूप, कुछ नहीं, ये भगवान बुद्ध का ही एक शाखा है। सहजयन परंपरा के अनुसार इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना या कठोर तप तथा कठोर अनुष्ठानों का पालन करना निर्थक है, क्योंकि इससे केवल शरीर को कच्छ और मन की शांति भंग होती है। सहजयन परंपरा में मान्यता है कि मनुष्य को आनंद के माध्यम से आनंद की तलाश करनी चाहिए। गुरु की अनुमति के द्वारा अनुयायी को पांचों इंद्रियों का आनंद लेना चाहिए। सहजयन परंपरा का सबसे ज्यादा प्रभाव आधुनिक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में था। इस परंपरा
के गुरु वज्र गुरु भी कहे जाती है, वज्र गुरु भी कहे जाती है। यही कारण है कि वज्र गुरुओं को सिद्धाचार्य भी कहा जाता है। सहजय परंपरा के सिद्धाचार्यों का कार्य ग्रंथों की व्याख्या करना, उपदेश देना तथा अपनी परंपरा को गीतों के माध्यम से प्रचारित करना होता था। इन सिद्धाचार्यों के द्वारा जो गीत गाए जाते थे उसे गोधूली भाषा के रूप में जाना जाता था। यह गोधूली भाषा आधुनिक बंगला भाषा का प्रारंभिक रूप है, यानी कि स्टार्टिंग रूप है। जो गोधूली भाषा या बंगला भाषा का स्टार्टिंग रूप है। सहजायन परंपरा के सबसे पुरानी सिद्धाचार्य लोईपद को बंगला साहित्य के सबसे पुराना कवि माना जाता है। 84 सहजवनी सिद्धाचार्यों की रचनाओं को सर्वोपद कहा जाता है, जिसमें बंगला भाषा और उनके साहित्य की सबसे शुरुआती पुस्तकें हैं। विद्वानों का मानना है कि महायान शाखा का परिवर्तित रूप वज्रयान शाखा कालचक्र यान शाखा, मंत्रयान शाखा आदि है। तो प्यारे साथियों, यो रहा कुछ जानकारी जो सहजयन परंपरा के बारे में। तो आप लोगों को कैसा लगा और क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में हमें बताइए, और आपके पास अगर जानकारी है इस विषय में तो हमें थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो फिर से नए वीडियो के साथ मुलाकात होंगे, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।